गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेहा अग्रवाल और आज मैं जा रही हूँ मम्मी के घर। ये और मैं भी जा रही हूँ मास्क लगाने, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है। तो चलते हैं मम्मी के घर। मेरी छोटी बहन भी चली गई है, मतलब अपने ससुराल चली गई है। मम्मी थोड़ी सी अकेली पड़ गई हैं, तो बस हम लोग जा रहे हैं मम्मी से मिलेंगे। हम पहुंच गए हैं हुसैनगंज और ये अपनी गाड़ी चेक कर रहे हैं, पार्क कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे मम्मी के घर। तो हम आ गए मम्मी के घर और भैया लोग अभी गए हैं बाहर काम से, आ रहे होंगे बस। तो ये देखिए, और मैं बना के लाई हूँ, मम्मी को बताई नहीं, मम्मी को सरप्राइज। तो मैं ये ढोकला बना के लाई हूँ और मैं करी पत्ता रखने वाली थी कि यहाँ आके मैं इसको तड़का दूंगी, बट मैं भूल गई हूँ। तो राई मिर्ची से मैं तड़का दूंगी। एंड मैं आज बना के लाई हूँ फरा, और उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया, सुबह सुबह मैंने जल्दी जल्दी बनाया है। तो बस मम्मी मेरी कुछ नहीं खाएं और हम लोग भी कुछ नहीं खाएं, एक साथ ही नाश्ता करेंगे। तो बस फटाफट मम्मी मेरी बना रही रवा का हलवा, और जैसे नॉर्मल रवा का हलवा बनता वैसे हम लोग बना रहे हैं। लॉकडाउन में ज़्यादा कहीं निकल नहीं पा रहे, तो बस मम्मी कहीं आई तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। माहौल चेंज हो जाता है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। एक ही घर में रह रहे के मन मेरा बिल्कुल उब जाता है। मेरी एक एक्चुअली आदत थी, मैं वीक में अमीनाबाद जाना है, कुछ ना कुछ काम होता था तो मैं बाहर निकलती थी। बट आज मम्मी के घर आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट मेरी भाभी नहीं है, दोनों बच्चे नहीं हैं, फिर भी टाइम बिल्कुल नहीं पता चला। मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। अब मेरी भाभी जब आ जाएंगी तो फिर हम आएंगे हुसैनगंज और अपनी नित्या एंजल से सबको मिलाएंगे। तो बस मम्मी मेरी फटाफट बना रही हैं रवा का हलवा। हम इंजॉय कर रहे थे अपना हलवा, एंड अभी हम लोग हल्का सा ही नाश्ता कर रहे हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं, मेरे दोनों भाई आ जाए, वो लोग गए हैं काम से। उसके बाद हम लोग ढोकला, ढोकले को हम मैं तड़का दूंगी, अभी मैंने दिया नहीं है, और सैंडविच मम्मी बनाएंगी। तो तब तक हम लोग हलवा खा रहे थे, नमकीन खा रहे थे, यही सब हल्का सा नाश्ता कर रहे थे। और मेरे बने बच्चों को तो मौका मिल जाता है मोबाइल गेम खेलने का, मोबाइल में लगने का। जब वो नानी के घर जाते हैं सोचते हैं मम्मा बिज़ी हो जाएंगी, तो हम लोग को मौका मिल जाएगा। तो नानी के घर वैसे भी बच्चे शेर हो जाते हैं, तो बस मेरे बच्चों का चल रहा है मोबाइल गेम और हम लोग मम्मी से बातें कर रहे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे।
अब मेरे भैया लोग आ गए थे आधे घंटे बाद, उसके बाद में हम लोग पूरा सेटअप बना के रूम में ही ले आए एंड सैंडविच मेकर भी ले आए भाई जी लोग। तो मम्मी सेक रही हैं, मैं फटाफट लगा के दे रही हूँ। और मलाई सैंडविच तो मैंने आप लोगों से शेयर की थी, प्याज शिमला मिर्च टमाटर और मलाई मेयोनीज डाल के मैं बनाती हूँ मलाई सैंडविच, तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बनता है। कुछ नहीं समझ में आता तो क्या बना दे मलाई सैंडविच। तो ये बस ब्रोकली को मैंने तड़का दे दिया था और हम लोग एक साथ बैठ के मलाई सैंडविच, और मेरे बड़े वाले भैया चाय ले आए हैं, तो बस एक साथ बैठ के खाएंगे, एंजॉय करेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप एक साथ बैठिए और वहीं गर्मा गर्म बना बनाया मिले, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे अपना सैंडविच एंड ढोकला, और ढोकला मेरा इतना अच्छा बनने लगा है, मैं बना बना के, एक होता है ट्रेंड हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा स्पंजी बहुत सॉफ्ट बनता है मेरा ढोकला। तो आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोग को ढोकले की रेसिपी चाहिए तो मैं वो लिंक डाल दूँगी। हाँ वाह, हम लोग ने अपना सैंडविच एंड ढोकला एंजॉय कर लिया था, उसके बाद हम लोग ने खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। मैं फटा बना के लाई थी, बिल्कुल मन नहीं हुआ। एक घंटे बाद मेरे बड़े वाले भैया बना रहे मैगी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी मैगी बनाते हैं वो। हम लोग डेली काम करते हैं तो एक होता है एक हाथ का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, और भैया लोग कुछ बना दें, हस्बैंड तो मेरा नहीं इतना कुछ बना पाते, लेकिन मेरे बड़े वाले भैया बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। तो देखिए वो मैगी बना रहे हैं, और उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा बारीकियाँ और बहुत हर एक चीज़ नाप तोल के डालते हैं जेंट्स लोग जब भी कुछ भी बनाते हैं। तो हम लोग जब मैगी ग्रेवी वाली मैगी बनाते हैं तो थोड़ा सा मसाला डालते हैं, बट इन्होंने कोई मसाला नहीं डाला, बस वो एक मैगी मसाला लेके आए थे वो उन्होंने डाल दिया, और मैगी मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी ये मैगी बनी थी। तो आप देखिए वो मैगी बना रहे हैं, और ग्रेवी वाली मैगी मैंने अपनी कई बार रेसिपी शेयर की है, नॉर्मल सी सिंपल सी, प्याज टमाटर डाल के, प्याज को महीन कट कीजिए, एंड भैया ने टमाटर घिस के डाला, मैं कभी कभी कट करके डाल देती हूँ, तो उन्होंने टमाटर घिस के डाला तो मैं थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर दे रही थी बस। और वो खुद करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, और जब जेंट्स लोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा सफाई से और ढंग से करते हैं। तो बस वही एक ये सिंपल वाली मैगी थी मेरी, ग्रेवी मैगी। एंड वेजिटेबल्स आपके पास और हो तो आप और डाल सकते हैं, गाजर और मटर अगर आपके पास हो तो आप वो भी कट करके डाल सकते हैं। तो बस भैया मेरे जल्दी जल्दी बना रहे थे मैगी, उसके बाद हम लोग अपनी मैगी एंजॉय करेंगे।
मैगी बन के हो गई थी रेडी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैगी बनी थी। एंड मेरा जो छोटा वाला भाई है बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, जब वो बातें करता है ऐसी ऐसी वो बातें बोलेगा कि मेरे हस्बैंड वो हंस हंस के लोट पोट हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता, बहुत इन्जॉय करते। तो जब हम मैके जाते हैं तो एक साथ ऐसे बैठ के अपनी हर एक चीज़ इन्जॉय करते हैं। तो वीक में ज़रूर जाना चाहिए, ऐसे इन्जॉय ज़रूर करना चाहिए। आप मैके हो या आपका कोई फ्रेंड हो तो आप लोग निकलो, इन्जॉय करो, मस्ती करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले मेरा मैका थोड़ा सा दूर था बट मम्मी अम्मी अब लखनऊ में ही शिफ्ट हो गई हैं तो मुझे ये मौका मिलता है। और मेरी छोटी वाली बहन को कंप्लेन रहता है, नेहा दीदी को तो अच्छा है वो आ जाती है, मिल लेती हैं, वो थोड़ी भी चाहिए दूर हो जाती है, जब आती है तभी आती है वो 15-20 दिन के लिए, और मैं रुक नहीं पाती हूँ, जब भी आती हूँ 1-2 दिन के लिए जा पाती हूँ। तो बस उसके बाद हम लोग कर रहे थे इंजॉय अपनी मैगी और बहुत टेस्टी बनी थी। अब हो गया है 9 बज गए हैं, अब मैं जा रही हूँ फ्राई करने और सब हम लोग डिनर में यही लेंगे और मैंगो, और मैं बनाऊँगी टमाटर लहसुन मिर्ची की चटनी क्योंकि धनिया है नहीं और वो भी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस मैं जा रही हूँ बनाने, मम्मी उधर ही है तो मैं सोचूँ मैं फटाफट कर लूँ। फ्राई मैंने फ्रिज में सुबह रख दिया था क्योंकि इतनी गर्मी थी और जब मुझे फ्राई 9 बजे मैं ये कर रही हूँ, ये टाइमिंग 9 बजे की है तो मैंने 1 घंटे पहले फ्राई को बाहर निकाल दिया था। अब इसको मैं कट कर रही हूँ और इसको मैं फ्राई करूँगी। एंड उधर मैंने बगल में रखा है 3 से 4 टमाटर लहसुन मिर्चा कट करके, बस उसको पीसना है मिक्सी में। और इस टमाटर की भी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, धनिया था नहीं इसलिए हम टमाटर की चटनी बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है फ्राई से ये चटनी। आप लहसुन अच्छी क्वान्टिटी में डालिए। तो बस मैं फटाफट कट कर रही हूँ अपना फ्राई और इसको मैं फ्राई करूँगी और मैंगो होगा साथ में और मेरे हस्बैंड चाय ज़रूर लेते तो उनके लिए मैं सिर्फ बनाऊंगी चाय। फरे को फ्राई करने के लिए मैंने डाला है सूखी लाल मिर्च मस्टर्ड ऑयल में एंड जीरा और राई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं कई चीज़ों में डालती रहती हूँ तो मैंने इसमें राई भी डाला है। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और हम लोग हैं 5 से 6 लोग खाने के लिए तो मैं 2 से 3 बार में अपना फरा फ्राई करूँगी। तो ये फरा फ्राई हो रहा है मेरा, बस इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी क्योंकि चटनी से ऐसे ही टेस्टी लगेगा। भैया लोग में मिर्चा ना जाए इसलिए मैं मिर्चा निकाल रही हूँ। तो बस मेरा फ्राई हो रहा है और इसमें मैं नमक और थोड़ा सा काली मिर्च डालूँगी बस। तो मेरा फ्राई हो गया है फरा, उसके बाद मैं अपने और फरे फ्राई करूँगी। अब मैं जा रही हूँ पीसने चटनी। अब हम लोग कर रहे थे अपना फरा एंजॉय और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मेरे हस्बैंड को मैंने चाय दिया था और भैया लोग चाय नहीं लेते हैं तो बस वो लोग अपने मैंगो से एंजॉय कर रहे थे फरा और ये चटनी के साथ मैं फरा एंजॉय कर रही थी। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है।
आज हम लोग ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा हम लोग को अच्छा लगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। तो बस मैं आज अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आने वाला मेरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बाय।